दोस्तों, दुनिया में लगभग 3000 सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, और इन 3000 सांपों में से 276 प्रकार की प्रजाति वाले सांप सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। इन सांपों में जहर और बिना जहर वाले सांप शामिल हैं। भारत में वैसे तो वैज्ञानिकों के मुताबिक 300 के आसपास सांप की प्रजाति का उल्लेख मिलता है, जबकि हम कुछ ही सांपों को अभी तक देख चुके हैं जिनमें जहर और बिना जहर वाले सांप शामिल हैं। आज इस वीडियो में दुनिया में पाए जाने वाले 10 सबसे ज्यादा जहरीले सांपों के बारे में जानेंगे। इसमें ये भी जानेंगे कि इन 10 सबसे जहरीले सांपों की लिस्ट में भारत में पाए जाने वाले कितने सांप शामिल हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, भारत में अगर जहरीले सांपों की बात की जाए तो मुख्यतः 50 सांप ऐसे हैं जो जहरीले हैं। बाकी सांपों में जहर नहीं है, लेकिन इनमें 3 सांपों की प्रजाति ऐसी भी है जो भारत में पाए जाने वाले अन्य सांपों पर अपना शासन चलाते हैं, जिनमें कोबरा की प्रजाति, करैत सांप की प्रजाति और वाइपर की प्रजाति शामिल है। इन 3 सांपों की प्रजातियों में बहुत से ऐसे सांप हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब ये भी जान लेते हैं जिन 10 इंटरनेशनल जहरीले सांपों की लिस्ट तैयार है उनमें भारत के कितने सांप शामिल हैं या नहीं भी हैं। तो देर न करते हुए जान लेते हैं दुनिया के बेहद 10 जहरीले सांपों के बारे में। नंबर 10, फिलीपीन कोबरा। पाया जाने वाला जहर न्यूरोटॉक्सिन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये सांप फिलीपींस में पाया जाता है। इनकी फिलीपींस के उत्तरी क्षेत्रों में संख्या ज्यादा है। कोबरा की जहरीली प्रजातियों में इस कोबरा को नंबर 1 पर रखा गया है। ये कोबरा काटता भी है और अपने जहर को शिकार पर थूकता भी है, जो कि कम से कम 3 मीटर की रेंज तक जाता है। इसके जहर की बात की जाए तो इसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है जो श्वसन और हृदय पर तुरंत असर करता है। इसके जहर छोड़ने के आधे घंटे बाद शिकार को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके बाद नतीजा मौत। नंबर 9, ब्लैक मांबा। पाया जाने वाला जहर न्यूरोटॉक्सिन यह अफ्रीका का सबसे घातक सांप माना जाता है। इस सांप के काटने का सबसे ज्यादा मामला यहाँ पर देखा जाता है। ब्लैक मांबा के जहर की सिर्फ एक बूंद से एक व्यक्ति की जान जा सकती है। इसके मुंह के अंदर गहरे काले रंग के होने के कारण इसे ब्लैक मांबा कहा जाता है, हालांकि इसका रंग भूरा होता है। ब्लैक मांबा की लंबाई लगभग 8 फीट तक हो सकती है। यह सांप लगभग 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपका पीछा कर सकता है। यह इतना खतरनाक है कि ये अपने शिकार को कम से कम कुछ ही सेकंडों में 10 से 15 बार तक काटता है। इसका 1 मिलीग्राम जहर काफी है इंसान को खत्म करने के लिए। नंबर 8, बूम स्लैंग स्नेक। पाया जाने वाला जहर हेमोटॉक्सिन। बूम स्लैंग स्नेक दुनिया का 8वां सबसे जहरीला सांप है। यह पेड़ों पर रहता है। इस सांप के काटने के चंद घंटे में इंसान के आंखों, फेफड़ों, गुर्दे, हृदय और मस्तिष्क से आंतरिक भागों से खून निकलने लगता है। अगर इसे समय पर नहीं रोका गया तो समझो मौत निश्चित है। बूम स्लैंग सांप पूरे अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से बोत्सवाना, नामीबिया, मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे में अधिक पाया जाता है। नंबर 7, ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। पाया जाने वाला जहर न्यूरोटॉक्सिन यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके जहर का 14,000वां हिस्सा भी यदि इंसान को दे दिया जाए तो उसकी मौत निश्चित है। यह ऑस्ट्रेलिया के इंसानी बस्ती में रहना ज्यादा पसंद करता है, इसीलिए इंसान इसके शिकार बन जाते हैं। गुस्सा होने पर यह सांप पीछा करके काटता है। इसके काटने पर इंसान के आगे अंधेरा छा जाता है। काटने वाली जगह पर खून बहुत मात्रा में निकलता है। नतीजन कुछ ही मिनटों में इंसान की मौत हो जाती है। नंबर 6, रैटल स्नेक। पाया जाने वाला जहर हेमोटॉक्सिक। यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और ये यहाँ का सबसे जहरीला सांप है। इसके पूंछ पर एक घुनघुने टाइप का छल्ला लगा होता है। गुस्सा होने पर ये छल्लों को बजाता है। जहर के मामले में इस सांप के बच्चे बड़े सांपों की तुलना में ज्यादा जहरीले होते हैं, क्योंकि बड़े होने के साथ इन सांपों में जहर की मात्रा कम होने लगती है। ये सांप बहुत ही गुस्सैल होते हैं। इनमें हीमोटॉक्सिन जहर पाया जाता है जो रक्त को जमा देता है। इसके काटने के 20 मिनट तक अगर एंटीवेनम दे दिया जाए तो ठीक, नहीं तो मौत पक्की। नंबर 5,
सौ स्केल्ड वाइपर पाया जाने वाला जहर हेमोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक। सौ स्केल्ड वाइपर दुनिया का पांचवा सबसे जहरीला सांप है। यह भारत में बिग फोर का सबसे छोटा सदस्य है। इस सांप को भारत में सबसे अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। सौ स्केल्ड वाइपर दूसरे सांपों की तरह सी ध्वनि के बजाय खतरे के समय अपने दांतेदार त्वचा को बजाकर चेतावनी देता है। इस सांप के काटने के बाद खून का थक्का जमना बंद हो जाता है। इसके बाद मुंह और मसूड़ों से खून आना और शरीर में बहुत तेज दर्द होना पाया जाता है। इसके काटने के 30 से 40 मिनट के बीच इंसान की मौत हो जाती है। नंबर 4, बैंडेड करैट पाया जाने वाला जहर न्यूरोटॉक्सिन। यह सांप भारत और एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। बैंडेड करैट दुनिया का चौथा सबसे जहरीला सांप है। यह सांप दिन के समय काफी धीमी गति से चलता है और अंधेरे के बाद इसके काटने की संभावना अधिक होती है। बैंडेड करैट सांप का जहर मांसपेशियों को पंगु बना सकता है और डायाफ्राम को हिलने से रोक सकता है। यह हवा को फेफड़ों में प्रवेश करने से रोकता है, जिसके परिणाम स्वरूप घुटन होती है और कुछ ही मिनटों में इंसान की घुटन से मौत हो जाती है। नंबर 3, किंग कोबरा पाया जाने वाला जहर न्यूरोटॉक्सिक। यह भारत समेत और भी देशों में पाया जाता है। किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है। यह दुनिया का तीसरा सबसे जहरीला सांप भी है। इस सांप की लंबाई 18 फीट तक हो सकती है। किंग कोबरा 100 मीटर की दूरी तक अपने शिकार को देख सकता है। यह सांप अपनी लंबाई के एक तिहाई हिस्से को जमीन से उठा सकता है। किंग कोबरा अपने शिकार में जहर की इतनी ज्यादा मात्रा भर देता है कि इंसान 15 मिनट में और एक वयस्क हाथी कुछ ही घंटों में मर सकता है। ज्यादा मात्रा में जहर होने के कारण ही यह तीसरे नंबर पर है। नंबर 2, कोस्टल टाइपन पाया जाने वाला जहर न्यूरोटॉक्सिक। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कोस्टल टाइपन सांप जहरीला होने के साथ साथ अत्यधिक फुर्तीला भी है। यही कारण है कि कोस्टल टाइपन जहरीले सांपों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। यह अपने शिकार के सचेत होने से पहले ही उसे कई बार काट चुका होता है। यह सांप अत्यधिक सटीकता के साथ अपने शिकार पर हमला करता है। नंबर 1, इनलैंड टाइपन पाया जाने वाला जहर न्यूरोटॉक्सिन। इनलैंड टाइपन दुनिया का सबसे विषैला सांप है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके काटने पर यह अपने शिकार पर लगभग 100 मिलीग्राम का जहर छोड़ता है, जो ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इसका जहर इतना पावरफुल है कि इतने ही जहर से लगभग 100 लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। इस सांप का जहर कोबरा सांप की तुलना में 50 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। अब आप सोच सकते हो कि इसका जहर कितना खतरनाक है। इन सारे सांपों में हेमोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन के साथ अलग अलग जहर की मात्रा और भी होती है, जो इन्हें और भी घातक बना देती है। दोस्तों, एक सांप का नाम रह गया जिसे सी स्नेक कहते हैं। ये सांप इनलैंड टाइपन से भी कई गुना जहरीला है, लेकिन समुद्र में पाए जाने के कारण इसे नंबर 1 की लिस्ट से हटा दिया गया है। अब बात आ जाती है कि भारत के कितने सांप टॉप 10 की लिस्ट में हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, किंग कोबरा, बैंडेड करैट और 100 स्केल्ड वाइपर जैसे सांप भारत में पाए जाते हैं, जो कि टॉप 10 में अपनी जगह बनाए हुए हैं। अगर आपको इससे भी कोई ज्यादा जहरीले सांप के बारे में पता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।